बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी की पहल, स्वीप कार्यक्रम के जरिए किया मतदाताओं को जागरूक। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी में चुनावी गठबंधन, दोनों मिलकर 200 विधानसभा सीटों पर खड़े करेंगे प्रत्याशी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 23 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। जयपुर में मनाया इन्फेंट्री दिवस समारोह, सिख रेजिमेंट के ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह गुलिया हुए समारोह में शामिल, 1,10,000 कदम पैदल यात्रा कर रही हैं कुलदीप सिंह गुलिया। आरपीएफ ने कोटा में तेजस राजधानी एक्सप्रेस से बरामद किया करीब 6 करोड़ का सोना और 26 लाख रुपए नकद, 3 यात्रियों को लिया हिरासत में। उदयपुर के भिंडर थाना क्षेत्र में डोडा चूरा तस्करों ने पुलिस पर किया हमला, पुलिस ने बरामद किया 1100 किलो डोडा चूरा। अजमेर में रोज दर्ज हो रहे साइबर क्राइम के 5 मामले, यूट्यूब पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने पर महिला के खाते से निकाले 10 लाख रुपए। जयपुर के बनीपार्क स्थित महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 8वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम 2023 का आयोजन, जिसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य दस्ते ने जयपुर शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध की कार्यवाही, स्वास्थ्य दस्ते ने व्यापारियों से 41,000 कैरिंग चार्ज किया वसूल। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 की पात्रता की जांच के अनुपस्थित रहे 65 अभ्यर्थियों को दिया अंतिम अवसर, 2 नवंबर को होगी पात्रता की जांच। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा पर ईडी की कार्यवाही, विरोध में बंद रहे सीकर और लक्ष्मणगढ़ के बाजार। राजसमंद में 15 साल की नाबालिग से रेप का मामला, पीड़िता के पिता पहुंचे एसपी कार्यालय, थाना पुलिस की कार्यशैली की करी शिकायत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ईडी प्रकरण को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, सीपी जोशी ने कहा कि आज ईडी जब लाखों युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने पर कार्यवाही कर रही है तो डर किस बात का। नेहरू युवा केंद्र पाली की ओर से जिले की सभी पंचायत समितियों से अमृत कलश भेजे जाएंगे दिल्ली और जयपुर, पाली जिले से 16 युवाओं का दल करेगा प्रतिनिधित्व। और राजस्थान के 65,000 से ज्यादा स्कूलों में चलाया जा रहा है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान, शनिवार को रहेगा नो बैग डे, गुड टच बैड टच का दिया जाएगा प्रशिक्षण।